हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और टॉपिक हम कवर कर रहे थे लॉग एंड एंटी लॉग। तो देखिए, लॉग वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग। और एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास होती है एंटी लॉग टेबल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एंटी लॉग टेबल। तो देखिए, ये हमारी एंटी लॉग टेबल। तो जैसा हमारे पास लॉग टेबल थी उसमें तीन कॉलम्स होते थे, ऐसे यहाँ पर हमारे पास थ्री कॉलम्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट कॉलम है हमारा मेन कॉलम, फिर 0 से लेकर 9 तक होता है डिफरेंसेस का कॉलम, और 1 से लेकर 9 तक ही छोटा वाला है मीन डिफरेंस वाला कॉलम। अब चलिए समझते हैं कि एंटी लॉग की वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यूज़ का अलग होता है और निगेटिव वैल्यूज़ का अलग होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी के साथ मैं आपको समझा भी दूंगा। सपोज कीजिए आपके पास गिवन है एंटी लॉग ऑफ 3.4032। अब देखिए एंटी लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। सबसे पहला रूल तो हमारा वही है कि मैक्सिमम जो है हमारे पास 4 डिजिट हो तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जैसे लॉग में था। अब करना क्या है कि जो फर्स्ट डिजिट है आपका पॉइंट से पहले वाला, या पॉइंट के पहले कितने ही भी डिजिट हों, उन सबको आप फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब जो पॉइंट के बाद वाले आपके पास डिजिट्स बचे, इनका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 0.4032। बताइए इसमें कोई परेशानी भाई, इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ से हमने उठाया 0.4032। तो जैसे हम लॉग में करते थे कि स्टार्टिंग के दो हमारे जो डिजिट्स हैं वो हम मेन कॉलम में देखेंगे, फिर थर्ड वाला डिजिट डिफरेंसेस में, और फोर्थ डिजिट को मेन डिफरेंसेस में देखा जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं वैल्यू 0.4032 की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड करनी होगी वैल्यू 0.40 की 3 पर। तो देखिए ये है हमारा 0.40, और इसकी वैल्यू थर्ड वाले कॉलम में है 2529। इसको यहां पर लिख लेते हैं, तो हमारे पास आया 2529। अब हमें क्या करना है, अब हम फाइंड करेंगे 0.40 की वैल्यू मेन डिफरेंसेस में 2 पर। तो देखिए 0.40 की वैल्यू मेन डिफरेंसेस में 2 पर है 1, तो इसमें हमें क्या करना है, 1 हम ऐड कर देंगे यहां पर, तो प्लस 1, तो कितना आया हमारे पास 2530। चलिए इसको लिख लेते हैं यहां पर 2530। ये तो आई हमारी एंटी लॉग की वैल्यू। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि यहां पर हमारे पास एक डिजिट है पॉइंट से पहले जिसको हमने अभी तक यूज नहीं किया है। अब हम इसको यूज करेंगे, इसको यूज करना बहुत ही ईजी है। आपको बस क्या करना है कि जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसमें आप 1 प्लस कर दें। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो 4 का मतलब ये है कि ये जो हमारा आंसर आएगा ना, इसके अंदर 4 डिजिट्स होने चाहिए। इसका मतलब आप यहां से काउंट करेंगे और 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए करते हैं 1 2 3 4, यहां पर एक पॉइंट आपने लगा दिया। इसका मतलब एंटी लॉग ऑफ 3.4032 कितना आता है, 2530। देखिए होता क्या है कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं, और इस बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए जरा, देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं, तो आपको ध्यान होगा कि हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था लॉग ऑफ 1234, तो हमारी वैल्यू आई थी 3.0913। इसका मतलब अगर मैं 3.0913 का एंटी लॉग लेता हूँ तो वो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 1234। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको लॉग और एंटी लॉग का रिलेशन भी पता लग जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं एंटी लॉग ऑफ 3.0913। तो देखिए जैसा कि हमने अभी देखा
के एंटी लॉक फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाला जो डिजिट है या फिर पॉइंट से पहले वाला जो भी डिजिट है उसको हम इग्नोर कर देंगे और पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं उनका हम एंटी लॉक फाइंड करते हैं। तो हमें एंटी लॉक फाइंड करना है पॉइंट 0913 का। तो चलिए फाइंड करते हैं वैल्यू पॉइंट 09 की 1 पर। तो देखिए पॉइंट 09 की वैल्यू 1 पर है 1233। इसको लिख लेते हैं 1233। इसमें हमें क्या प्लस करना है, पॉइंट 09 की वैल्यू मीन डिफरेंसेस में 3 पर। चलिए फाइंड करते हैं। तो हमें फाइंड करनी है पॉइंट 09 की वैल्यू मीन डिफरेंसेस में 3 पर। तो कितनी आती है वैल्यू, 1। तो इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आई 1234। तो ये तो हमारे पास आ गई वैल्यू, लेकिन अभी हमने इस 3 का कोई काम नहीं किया। अब इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी वैल्यू 1234 और इसका हमने क्या यूज़ बताया था कि जो भी यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है उसमें हम 1 प्लस करते हैं सबसे पहले। तो बताइए 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4। तो इस 4 का मतलब मैंने क्या बताया कि जो हमारा आंसर आया है ये इसमें 4 डिजिट्स होने चाहिए। अब या तो आप इस तरह समझ लें कि 4 डिजिट्स होने चाहिए, या आप ये समझ लें कि जो भी हमारे पास ये वैल्यू आई उतना हम यहाँ से काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास 4 आया तो यहाँ से करते हैं 1234 और पॉइंट। भाई इसके बाद 0 लगाइए मत लगाइए वो आपकी मर्जी है। तो वैल्यू हमारी क्या हुई, 1234। तो ये हमने देखा एंटी लॉक फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। अब हम सीखेंगे एंटी लॉक फॉर नेगेटिव वैल्यूज। चलिए देखते हैं एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग हम फाइंड कर ही नहीं सकते, तो फिर उसको क्या किया जाएगा भाई, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले पॉजिटिव में। तो कैसे करना है वो आप देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कहीं रफ में आप इन दोनों पार्ट्स को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे होगा, एक ही माइनस टू है आपके पास, उसको आपने अलग लिखा माइनस टू, और एक है हमारे पास पॉइंट 1202, इसको आपने अलग लिखा 1202, इसके आगे भी आपने एक माइनस लगा दिया। तो अगर हम बेसिकली इसको प्लस करेंगे तो माइनस टू माइनस जीरो पॉइंट इतना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.1202। तो हमने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर पहला वाला पार्ट है यहाँ पर आपको लिखना है माइनस वन, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पर आपको लिखना है प्लस वन। तो देखिए वैसे तो हमने कोई चेंज यहाँ पर नहीं किया क्योंकि माइनस वन प्लस वन कितना होता है, जीरो। लेकिन इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये मेरे पास आया माइनस का 3 और इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस 0.1202 प्लस 1, तो वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस का 0.8798। अब देखिए मैंने इस वाली वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, और अभी हमने देखा था कि हम जो एंटी लॉक फाइंड करते हैं वो इधर वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं और इसको हम इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब हुआ क्या, अब हमें फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ 0.8798। तो चलिए फाइंड करते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.8798 का। तो चलिए यहां पर देखते हैं 0.87 को 9 पर। तो देखिए 0.87 की वैल्यू 9 पर है 7568, इसको हम लिख लेते हैं 0.7568, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करते हैं मीन डिफरेंस वाली वैल्यू। तो फाइंड करेंगे 0.87 की वैल्यू मीन डिफरेंसेस में 8 पर। तो देखिए 0.87 की वैल्यू मीन डिफरेंसेस में 8 पर है 14, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 14, तो हमारे पास कितना आया 2857, यानी कि हमारे पास आंसर आया 0.7582, ये आया हमारे पास आंसर।
लेकिन अभी हमने देखा कि जो माइनस टू है इसको हमने यूज़ नहीं किया, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे हम? कि यहाँ पर हमारे पास माइनस टू लिखा हुआ है ना, तो इस माइनस टू का मतलब है कि हम इस पूरी वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दें। भाई 2 है ना, तो यहाँ पर दो जीरो लगाए गए। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर 3 होता तो 1000 हो जाता, 4 होता तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाते। तो अगर हम इस पूरी वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो डेसिमल है ये लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर हमारा बन जाएगा 0.00758 2। ये आ गई मेरी एंटी लॉग की वैल्यू। इसका मतलब एंटी लॉग -2.1202 का होता है 0.007582। आई होप एंटी लॉग आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि एंटी लॉग फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ और एंटी लॉग फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ अलग अलग होता है। तो आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।